दोस्तों आज हम बहुत कम तेल मसालों में बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। बिना दही बिना सोडा के सूजी और बेसन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 मिनट में। इसे बनाना इतना आसान है कि बस सोचो और बना लो। आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर बच्चों के टिफिन में बना के रख सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया 1/2 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप इसे मिक्सी में कुछ सेकंड के लिए चला लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया 1/2 कप बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो अभी हम इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1/2 कप सूजी 1/2 कप बेसन लिया है, तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसके लिए तड़का बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसको डाल देंगे। हमने यहाँ पर 3 लहसुनी कलियों को कद्दूकस करके लिए, इसको डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 1/2 इंच अदरक को भी कद्दूकस करके लिए, इसको भी डाल देंगे। अब इनको हम कुछ सेकंड तक भून लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा तड़का डालने से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो हमने तड़के को अच्छे से भून लिया है। अब हमने 6 से 7 करी पत्ता लिए थे, जिनको इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है, इनको डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। तो तड़का बन के तैयार है। साथ ही सूजी को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब तड़के को हम इसमें डाल देंगे। अब तड़के को हम इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो बिना तड़के के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तड़का डालने से नाश्ते का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसे बिना दही बिना सोडा के बना रहे हैं। इस तरीके से फेंटने से नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ली है, इसको डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर। साथ ही हमने यहाँ पर 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसको भी डाल देंगे। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार कोई सी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, बैटर अभी गाढ़ा है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी और डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 1/2 कप सूजी 1/2 कप बेसन लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बैटर बन के तैयार है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरीके का बैटर हमें बना के तैयार करना है। तो चलिए अब बिना देर किए हम इसका डोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल इस तरीके से फैला लेंगे। तो दोस्तों हमें तवे को बहुत अच्छे से गर्म करना है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो बैटर बना के रखा है तो उसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसमें से 1 चम्मच बैटर लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे तवे पर बैटर को फैला लेंगे। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह झट से बन के तैयार हो जाता है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको 2 मिनट तक सिकने देंगे। जैसे जैसे सिकेगा आप देखेंगे ऊपर से ड्राई होने लगा है। तो इसको सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डोसा एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अब कलछी की मदद से हम इसके किनारों को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से कितने अच्छे से सिक चुका है। अब 1 मिनट तक हम इसको दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, इससे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो सिकते हुए 1 मिनट हो चुका है, दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है। तो डोसा बन के तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर बच्चों के टिफिन में बना के रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से झट से बन के तैयार हो जाता है। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।